The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment. नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है जस्ट डायल का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस यहाँ पे ईयर 2014 में टॉप ट्रेड किया था, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ग्रीन लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड फाइनली प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा था इस ग्रीन लाइन, इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्गली आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड जिस टाइप का मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ मूव आ सकता है एंड इस स्टॉक का प्राइस लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ए लेवल एंड दिस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा लाइफ हाई का। अगर आप यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस देखेंगे 1140 के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद लाइफ हाई जाएगा 1840, क्योंकि लार्जर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस एक ही बाउंड्री को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है एंड टेस्ट करने के बाद उसको ब्रेकआउट करता है आफ्टर सम कंसोलिडेशन, प्रोबेबिलिटी हाई है कि उसी डायरेक्शन में प्राइस अब मूवमेंट दे सकता है। क्लियरली आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देख सकते हैं, जिस टाइप का यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आफ्टर सम कंसोलिडेशन। इसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वहां पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, जो कि इसी केस में बन रहा है 24% के आसपास। तो इसलिए एक ही पॉइंट के ऊपर कभी भी फुल्ली क्वांटिटी नहीं लेना है। यहाँ पे बिग इन्वेस्टर भी ना डिफरेंट लॉट में बाय करते हैं, इसलिए करंट प्राइस के ऊपर कुछ लेना है, अगर नीचे आएगा ऐड करना है एंड दोनों केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है, जो कि बन रहा है बिलो 765 के आसपास, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं एंड जो स्टॉप लॉस के लिए ना ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। स्टॉप लॉस डिपेंड करता है ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट के ऊपर एंड कैपिटल साइज के ऊपर, तो आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है प्रीवियस स्विंग लो 765 के आसपास हम अभी के लिए एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम में 1140 एंड उसका जो लाइफ है 1800 के आसपास इस स्टॉक का प्राइस जाकर टेस्ट कर सकता है एंड एज यूजुअल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इसका अगर आप देखेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे जंप किया है 72 करोड़ से 116 करोड़ और यहाँ पे सेल्स भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो ईपीएस का ग्रोथ यहाँ पे प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप सारा पैरामीटर देखेंगे एक बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट आ सकता है, जिस टाइप का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर रेशियो चार्ट देखेंगे, यहाँ पे जस्ट डायल वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड रेशियो चार्ट क्या है, रेशियो चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। रेशियो चार्ट देखिए यहाँ पे एक मल्टी और का रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो रेशियो चार्ट को आप अभी न्यूट्रल मान सकते हैं। देखिए ये था उसका डाउन ट्रेंड एंड अभी मल्टी ईयर हो गया है 2017 से 2024, लास्ट 6 ईयर से देखिए प्राइस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक इस रेंज का अपर बाउंड्री को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप यहाँ पे मल्टी ईयर का आउट परफॉर्मेंस का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अगर प्राइस कभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा ना, उसी रेंज का लोअर बाउंड्री सबसे लोअर रिस्क जोन एग्जैक्टली देखिए इसी रेंज का लोअर बाउंड्री के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है रेशियो चार्ट, इसका मीनिंग है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है एंड इस अपर बाउंड्री को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे आफ्टर सम कंसोलिडेशन फिर से ब्रेकआउट के बाद फर्दर मल्टी ईयर का आउट परफॉर्मेंस शो कर सकता है, तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, एनालिसिस को ऐड कीजिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, मैक्सिमम रिस्क पहले डिफाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।